रास्ते में लगे हैं गाड़ी पंचर करने के लिए कांटे। स्वागत तो करो हमारा। आ गया दिल चुराने मैं आ गया। तो फाइनली इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई, मतलब जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे वो चीज आज आ ही गई। बोले तो ये वाली आईडी से गेम प्ले आ ही गया, जिसमें है मेरे पास M4 ग्लेशियर मैक्स। तो इस आईडी की इन्वेंटरी वीडियो अगर आपको देखनी है तो इस वाली वीडियो पे आप फटाफट से 1 लाख ज्यादा हो गया 1000 लाइक्स करवा दो। जैसे ही इस वाली वीडियो पे 1000 लाइक्स होंगे मैं आपके सामने इन्वेंटरी वाली, भाई बाहर घंटी बज रही है चलो गई, तो बिल्कुल 1000 लाइक होते ही मैं आपके सामने इन्वेंटरी वाली वीडियो पेश कर दूंगा। तो समझ रहे हो, फटाफट से 1000 लाइक्स करवा दो। अब बात करें ये आईडी किसकी है। मैं काफी टाइम पहले से एक ऐसी आईडी की तलाश में था जिसमें M4 ग्लेशियर मैक्स हो या फिर एटलीस्ट जो हीट इफेक्ट होता है ना वहां तक अपग्रेडेड हो, ताकि यार अपनी भी स्क्रीन में ग्लेशियर निकले जब अपन बंदों को मारे तो खतरनाक सा इफेक्ट आए। तो ये मैं चाहता था, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी यार मेरे को भी ग्लेशियर मैक्स अकाउंट से खेलना है। गुर्जर भाई से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को अकाउंट दे दिया गेम खेलने के लिए, मतलब कि गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस वाली आईडी में M4 ग्लेशियर मैक्स है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। तो भाई सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे साथ साथ आप लोग प्लीज गुर्जर भाई को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, गुर्जर भाई थैंक यू सो मच यार। फिलहाल बढ़ते इस वाले गेम प्ले की तरफ। तो आपने इंट्रो में जो सीन देखा था ना, ट्रैप बिछा था, बिल्कुल कांटे बिछा दिए थे रोड पे, तो हम उसमें फंस जाते हैं, वो इसी गेम प्ले का सीन है। तो फिलहाल उतरते सेवर्णी में, सामने है कुछ बंदे। तो यहाँ पे 4 बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी मेरे को एक 3-सीटर व्हीकल की आवाज़ आती है, मतलब कि कोई तो गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा है। भाई कैसे टीममेट्स के साथ ये बंदा गेम खेल रहा है, इसके टीममेट इसको छोड़ के चले गए और ये यहाँ पे बेचारा अकेला था, इसको हमने नॉक करके फिनिश डाल दिया। इसके बाद हम भी 70 से जैसे ही निकलने लगते हैं तभी सामने एक बंदा स्पॉट होता है। ओहो, नजर डालो किल फीड पे और देखो इसकी पेटी, मतलब क्या ही चमक रहा यार, स्नो स्नो सब तरफ ग्लेशियर। इसी चीज के लिए तो यार इतने टाइम से मैं बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा था। फाइनली अब जाके M4 ग्लेशियर मैक्स अपने पास आ चुकी है, तो अब इस बंदे को मारने के बाद मैं डिसाइड कर लेता हूँ जितना हो सके उतना मैं M4 ग्लेशियर ही चलाऊंगा इस वाले मैच में। तो हम लोग जैसे यहाँ से निकल के इधर आते हैं तभी क्या आपने एक बदलाव नोटिस किया। पहले मैं बंदे नोक करके छोड़ रखता था ताकि उनके टीममेट बचाना है तो अपन उनको भी सूद दें, पर जब से M4 ग्लेशियर मैक्स मिली है भाई पेटी बनाने में अलग ही मजा आ रहा है। फट से बंदा नोक, फट से पेटी डाली। ये नोक होने के बाद कवर से बाहर इसलिए आया शायद से इसको ग्लेशियर से पेटी बनवानी होगी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। बंदा अच्छा खासा कवर में था नोक होने के बाद। देखूं।
Watch out. यहाँ पे शायद से दो टीम है क्योंकि एक टीम को मैंने खत्म कर दिया और दूसरी टीम जो है इस वाले कंपाउंड में बैठी है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मोली करूँ क्योंकि ज्यादातर बंदे यहीं बैठते हैं। तो देखो भाई साहब, मोली से तो बंदे को कुछ नहीं हुआ पर मेरे को बहुत कुछ हो जाता है, तो फटाफट से फर्स्ट एड लगाते हैं और ऊपर रश करते हैं। वॉइस ओवर में वो फीलिंग में एक्सप्रेस नहीं कर सकता जो कि गेम खेलते टाइम मैं फील कर रहा था, मतलब कि जैसे ही मैं इनकी पेटी बना रहा था ना भाई, अलग ही मजा आ रहा था अंदर अंदर से, क्या ही सीन देखने को मिल रहा था। जैसे ही पेटियां बना रहा हूँ ग्लेशियर से, फुल मजा आ जा रहा था। तो फटाफट से इनकी पेटी बनाते हम लोग, उसके बाद गाड़ी लेके हम लोग अब आते हैं पोचिंग की तरफ और यहीं पे वो सीन होने वाला है। मतलब एक पूरी की पूरी टीम बैठी है, रास्ते पे इन्होंने स्पाइक ट्रैप बिछा रखा है। हमसे जो टकराएगा पेटी वो बनवाएगा। तो यहाँ पे इस टीम के तीन बंदे मैं नॉक कर चुका हूँ, एक को फिनिश भी कर दिया। अब लास्ट जो बंदा है ना वो पीछे फॉल बैक कर जाता है जो कि काफी देर से मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। और राइट में एक मैडम जी को मैंने नॉक किया था, तो उनको फिनिश करने जाता हूँ। और तभी मर गए ना सोने, ये इधर आ गए। सामने से फायर आया है इधर। मार्क द लोकेशन। चाचा पता नहीं कहाँ भाग रहे थे यार, पूरा यहाँ पे इन्हें स्पाइक ट्रैप लगा रखा है। पूरे चार बंदे हमको खतरनाक तरीके से घेर लिया था, उसके बाद भी हमको नहीं मार पाए, उल्टा हमने इन चारों की ग्लेशियर से पेटी चमका दी। इस चीज के लिए गाइस फटाफट से लाइक कर दो गेम प्ले को, मतलब की वीडियो को। आपको याद है ना 1000 लाइक करने तभी इस वाली आईडी की इन्वेंटरी वीडियो आएगी, तो फटाफट से कर दो यार और सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो। अब देखो इस लास्ट वाले बंदे की पेटी पे आता हूँ और रिमोट चमकाता हूँ क्योंकि काफी खतरनाक तरीके से हमने इनको मारा है, तो इस चीज के लिए तो बनता है। तो अपने को गाड़ी भी ढूंढना है। अब बगी उठा के हम जैसे ही इधर आते हैं तभी मेरे को सामने स्मोक दिखाई देता है, मतलब कि यहाँ पे भी बंदे हैं। पेड़ के पीछे वाला बंदा हम पे AWM चलाता है, तो मैं यहाँ पे नेड करता हूँ और मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि मेरे को कवर फायर चाहिए। हाँ चलो चलो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे नोक नहीं होता अगर मेरा टीममेट कवर देता, तो मैं टीममेट को ये बोल के रश किया था कि भाई कवर देना मैं ओपन से जा रहा हूँ, पर आपने देखा कि टीममेट ने यहाँ पे एक भी गोली नहीं चलाई जब मैं ओपन में था इस पे रश कर रहा था। तो अगर मेरा टीममेट फायर करता ना इस वाले बंदे पे उसी टाइम जब मैं ओपन में रश कर रहा था, तो शायद से बंदा डर के कुछ ऐसी गलती करता जिसका कि मैं फायदा उठा सकता था। एडीटी बहाने मध्य साले नोक हो गया। हाँ भाई मतलब हो गया तो हो गया यार, अब देखो हेलमेट वेस्ट भी डैमेज थे, पर भाई सही में यार कवर फायर मतलब मैंने वो एक्सपेक्ट किया था कि फायरिंग हो कंटिन्यूअसली, तो सामने वाले बंदे की फटे यार। मैं
रहे। पहले किया नेट जिसने किया बंदे को डैमेज और फिर बंदा डर के बाहर आ जाता है, तो जिगजैग मूवमेंट के साथ यहाँ पे सीधा इसको मारते हैं। काश इन भाई को पता होता कि मेरे पास AWM है, शायद ये पीक नहीं करते, पर कोई ना, पीक कर ही दिया तो टीका भी लगा दिया है। अब सामने एक और बंदा है इसका जो कि रिवाइव ऑब्वियस सी बात है देगा ही देगा, तो हम फटाफट से रश करते हैं। और ये मिल चुका है विनर विनर चिकन डिनर, मतलब ग्लेशियर से लास्ट वाले बंदों की भी बेटी बनाई अपन ने। और अगर गाइज आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया हो तो वीडियो करो लाइक, 1000 लाइक करने हैं, और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक, शेयर कर दो सभी के साथ, जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। तो चलो गाइज मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।